ओके वेलकम टू द सिविल पॉइंट दोस्तों। इससे पहले अपनी दो क्लास हो चुकी है अपन सब इंजीनियर की, जिसके अंदर अपन स्टार्ट कर चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर पढ़ रहे थे अपन सीमेंट वाला टॉपिक। सीमेंट का एक बेसिक इंट्रो अपन लोगों ने पढ़ रखा था, व्हाट इज सीमेंट होता है, सीमेंट क्या चीज होती है, कैसे बनती है, एक बेसिक इंट्रो अपन ने ले लिया था। आज पढ़ेंगे सीमेंट की रॉ मटेरियल के बारे में कि जो सीमेंट बनता है उसका मुख्यतः रॉ मटेरियल कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप ये सीरीज जो हमारी व्यापार सब इंजीनियर का जो क्रैश कोर्स है जो कि 6 महीने के अंदर अपन इसे कंप्लीट करेंगे, अगर आप इसे लाइव जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टीचमेंट ऐप पर, और जिसका जिसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां मिलेगा आपको व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप लाइव आ सकते हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बिल्डिंग मटेरियल अपन पढ़ रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल, इसके अंदर अपन ने सीमेंट वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था, ठीक है, स्टार्ट किया था सीमेंट वाला टॉपिक। ओके सीमेंट वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, दो प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं मेनली। पहला कौन सा होता है, अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की, सीमेंट का कौन सा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल का मतलब है कि ये जो मटेरियल आपका जो सीमेंट है मुख्यतः किन दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। किन किन चीजों से मिलकर के आपका बना हुआ उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। मुख्यतः इसके अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, पहला तो होता है आरजीडीएसएस मटेरियल और दूसरा होता है आपका कैलकेरियस मटेरियल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, रॉ मटेरियल का मतलब है कि इसके अंदर किस किस टाइप के पदार्थ हैं। तो दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है आरजीडीएसएस, एक होता है कैलकेरियस। लिखता हूं यहाँ पे, देखते जाइएगा, ठीक है। एक होता है आपका आरजीडीएसएस, आरजीडीएसएस मटेरियल, ओके, और दूसरा होता है आपका कैलकेरियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल, ओके, आर्जिलिसियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल। अभी क्या क्या चीजें हैं, आर्जिलिसियस का मतलब क्या है और कैलकेरियस का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए आर्जिलिसियस मतलब, आर्जिलिसियस मतलब समझ कुछ मिट्टी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल सा वर्ड आपने सुना ना, कुछ वैसे ही आर्जिलिसियस रिलेटेड किससे, सॉइल से या कि क्ले से। तो जो भी जितने भी क्ले डोमिनेंट पदार्थ है, ठीक है, जितने भी सीमेंट के अंदर क्ले डोमिनेंट यानी कि मिट्टी से रिलेटेड जो पदार्थ हैं, जिनके अंदर क्ले के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ही जो पदार्थ है उनको बोलेंगे अपन क्या, आर्जिलिसियस मटेरियल, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर क्ले के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनको बोलेंगे अपन आर्जिलिसियस मटेरियल। और जिनके अंदर ये कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम से है, तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट है, ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ऐसे मटेरियल को बोलेंगे अपन कैलकेरियस मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो क्ले डोमिनेंट मटेरियल है, ठीक है, क्ले डोमिनेंट मटेरियल है, ओके, क्ले डोमिनेंट मटेरियल है, और ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट मटेरियल, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट मटेरियल, मतलब जिसके अंदर वो मटेरियल जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, तो कौन सा मटेरियल कहलाएगा, कैलकेरियस मटेरियल। और दूसरा आपका जिनके अंदर क्ले पाया जाए, क्ले मतलब क्ले के पार्टिकल। अभी बोलोगे भैया है कौन कौन से, एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल आपने देखा होगा इसके अंदर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है, ब्लास्ट, क्या हुआ, क्लियर नहीं दिख रहा आपको, अच्छा ब्लर आ गया, ओके ओके एक मिनट जस्ट वेट, ओके आप क्लियर है, ओके आप क्लियर है, ये सोता क्लियर दिख रहा है आपको, कुमार वॉइस मिल रही है आपको, नहीं दिख रहा, ओके ओके ठीक है। चलिए देखिए क्या पढ़ा था अपन, क्ले डोमिनेंट मटेरियल, क्ले डोमिनेंट मटेरियल के अंदर क्या होगा, पहला ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अभी क्या होती है, आपने देखा होगा ना, जैसे जो बहुत ऐसे मतलब ऐसे उद्योग जो कि बिजली वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो कि काफी मात्रा में ऐसे मटेरियल को जलाते हैं, इसके बाद जो राख बचती है, ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट्स हो गए, उनके अंदर क्या होता है कि लास्ट में बहुत सारा जो राख निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है, वही होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। दूसरी चीज जो कि आप देखा होगा आपने, जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं वहां से जो बहुत सारी राख निकलती है, तो जो स्लैग होती है ना, फर्नेस स्लैग होती है, मतलब जलाने के बाद, फर्नेस मतलब जलाना, फर्नेस मतलब ऐसी भट्टी जहां किसी चीज को जलाया जाता है, तपाया जाता है, उसके बाद जो राख बचती है उसको बोलते हैं फर्नेस स्लैग, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं अपन सीमेंटिंग मटेरियल के अंदर, तो इसके अंदर पाए जाते हैं आपके क्ले के पार्टिकल, ठीक है, क्या पाए जाते हैं,
क्ले के पार्टिकल, तो ये किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर आएंगे? आर्जिलिशियस मटेरियल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। किस मटेरियल के अंदर आते हैं भाई? आर्जिलिशियस मटेरियल के अंदर। और भी है कुछ, जैसे मर्ल हो गया आपका, मर्ल हो गया, ठीक है, और आपका ठीक है सेल हो गई, ये सेल समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक, उनका यूज करते हैं। मर्ल, मर्ल एक प्रकार की कुछ मिट्टी होती है, ठीक है, आपने उस मिट्टी का नाम सुना है क्या? मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। तो ये जितने भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, जब वो मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ये जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, जैसे आपके जो सारे एक्सपायर हो जाते हैं, जो चेहरे वगैरह फेशियल के लिए यूज किए जाते हैं लगाने के लिए, जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, इनका यूज सब सीमेंट वगैरह हम डाल देते हैं, वही पे सब सीमेंट में ही जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर होने के बाद, ओके, वही पर डाल देते हैं, तो सब इसी के अंदर आएंगे। मरल वगैरह उसी के अंदर आती है, आपकी मुल्तानी मिट्टी वगैरह मरल वगैरह आते हैं, ठीक है, सील हो गया। ये सब कुछ किसके अंदर आ गया? आपका क्ले डोमिनेंट पदार्थ होते हैं जो यूज करते हैं सीमेंट के अंदर। दूसरी चीज क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेट मटेरियल के अंदर क्या आता है? इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा लाइम स्टोन, ये तो मेन कंस्टिट्यूएंट है कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? दूसरा आपका चौक, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं चौक ना, चौक के अंदर क्ले के पार्टिकल होते हैं, लेकिन चौक हाईली कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट मटेरियल है, याद रखिए, इससे एक न्यूमेरिकल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी के अंदर, चौक जो है पूछा कि चौक किस तरह का मटेरियल है? कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट, ठीक है, क्ले डोमिनेंट नहीं है, तो क्या बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट या कैलकेरियस मटेरियल चौक। देन इसके बाद क्या आपका? मरीन स्टोन, ठीक है, मरीन स्टोन, समुद्र में पाए जाने वाले जो कुछ पत्थर हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? आपके कैलकेरियस मटेरियल के। ऐसे करके दो कैटेगरी अपन डिवाइड करिए, एक है आर्जिलिशियस मटेरियल और दूसरा आपका कैलकेरियस मटेरियल। आर्जिलिशियस मटेरियल के अंदर आपके क्या आते हैं? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मर्ल और सेल। कैलकेरियस मटेरियल के अंदर क्या आता है? आपका लाइम स्टोन, चाक और मरीन स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन, चाक और मरीन स्टोन, ओके। तो इस तरीके से अपन इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। अब इन दोनों मटेरियल्स को, इन दोनों मटेरियल्स को 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं अपन। किस रेशियो में? मतलब एक रेशियो आपका आर्जिलिशियस मटेरियल और 3 रेशियो आपका कौन सा? 3 रेशियो आपको मिलाना है कैलकेरियस मटेरियल, 3 पार्ट इसको, 1 पार्ट इसको, दोनों को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद, ठीक है, मिलाने के बाद क्या करते हैं? 25 mm की साइज में, किस साइज में भाई? 25 mm की साइज में इसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनका, क्योंकि बड़े बड़े होंगे ना, लाइम स्टोन तो बड़ा पत्थर है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर यूज है सारे, जैसे भाई आपका ये सेल वगैरह मरल वगैरह बड़ी साइज में होते हैं, इनको एक फिक्स साइज किस साइज में तोड़ते हैं? 25 mm की साइज में तोड़ते हैं, ठीक है। हाँ ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मर्ल और सेल, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मर्ल और सेल, ठीक है, ये होता है, ओके। अब इन दोनों मटेरियल को अपन 1:3 के प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, किसके प्रोपोर्शन भाई? 1:3 के प्रोपोर्शन में। इन दोनों को 1:3 के प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद कितने साइज में तोड़ते हैं? 25 mm के साइज में इनका ब्रेक डाउन करते हैं, ओके, और इतने साइज में तोड़ने के बाद इसको अपन करते हैं हीट हायर टेम्परेचर के अंदर, हायर टेम्परेचर। अब ये हायर टेम्परेचर कितना होता है? ये जो आपका हायर टेम्परेचर है ये कितना होता है? ये हायर टेम्परेचर आपका 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे अपन? हीट देंगे, गर्म करेंगे। इस पूरे मटेरियल को अपन ने क्या किया? 1:3 के पार्ट में मिलाया, 25 mm के साइज में तोड़ा, देन इसके बाद 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर आपने गर्म किया, ठीक है, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। गर्म करने के बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं अपन क्लिंकर। क्या बनता है? क्लिंकर, ठीक है, CLINKER, ठीक है, क्लिंकर, ये नीचे मैंने लिख दिया है, नीचे क्या बनता है आपका? क्लिंकर बनता है, ओके। ये जो क्लिंकर होता है, ठीक है, क्लिंकर हो गया। अब ये जो 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या? कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। मतलब क्या किया? रॉ मटेरियल को 1:3 के प्रोपोर्शन में मिलाया, 25 mm के साइज में तोड़ा, देन इसके बाद 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी कैल्सिनेशन, ठीक है। और इसके आफ्टर कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद बनता क्या आपका? क्लिंकर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? क्लिंकर। ये क्लिंकर क्या होता है? ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड होता है। ये सब रिएक्शन या हीट के बाद ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स जटिल रासायनिक संगठन बन जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बन जाता है, जिसका अपन यूज करेंगे। अभी देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं अपन बोगस कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई? बोगस कंपाउंड,
इसको बोलते हैं बोगस कंपाउंड। अब ये बोगस कंपाउंड जो आपका, ठीक है, ये बोगस कंपाउंड जो आपका, ये मुख्यतः चार प्रकार का होता है। अब यही जो सारा खेल सीमेंट के अंदर ना, जो उसके गुण को दिखाएगा कि कौन सा सीमेंट सेट होगा, किसके अंदर हीट ज्यादा निकलेगी, किसके अंदर हीट कम निकलेगी, ये सारा खेल सिर्फ इस बोगस कंपाउंड का है। ठीक है, ये सारा खेल इस बोगस कंपाउंड का है। मतलब समझिएगा इस स्टेप को, अपन जो सीमेंट बनाते हैं ना, सीमेंट बनाने की प्रोसेस सब में सेम है। फर्क ये आता है कि कौन सा सीमेंट कब ज्यादा, कौन सा सीमेंट ज्यादा जल्दी सेट हो जाएगा, किसके अंदर हीट ज्यादा निकलेगी, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो सब कुछ डिपेंड करता है इनके इस बोगस कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, ये बोगस कंपाउंड का अगर रेशियो अपन चेंज कर देना, घटा दें बढ़ा दें, तो उसके अनुसार जो आपका सीमेंट की स्ट्रेंथ, इनिशियल सेटिंग टाइम, टेम्परेचर, सब कुछ चेंज हो जाएगा इस बोगस कंपाउंड से। ये बोगस कंपाउंड मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अगर शुरू से देखें अपन, तो सीमेंट बनाने की रॉ मटेरियल थे कौन कौन से, ये रॉ मटेरियल आपके दो प्रकार के थे, आर्जिलिसियस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल। ये आर्जिलिसियस मटेरियल के अंदर मुख्यतः क्या चीज होती है, ये क्ले डोमिनेंट होते हैं, मतलब क्ले के पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाएंगे, क्ले मुख्यतः क्ले डोमिनेंट होगा। ओके, बात करते हैं इसके बाद अपन कैल्केरियस मटेरियल की। ये जो कैल्केरियस मटेरियल होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट मटेरियल होते हैं, मतलब इस ग्रुप के अंदर जो मटेरियल आएंगे उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मुख्यतः पाया जाएगा, ये बात है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या है, जो कि पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह से आफ्टर, देखो थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता क्या है, हाई टेम्परेचर के अंदर काफी ज्यादा ईंधन को जलाया जाता है। ठीक है, जलाने के बाद पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करने से इसके बाद जैसे मान लो कोयला को जलाया जाता है, जैसे मान लो अपने आसपास अपने बिजली बनाने वाला आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट, तो वहां का होता क्या है, कोयला कोयला जाता है, कोयला को बहुत बहुत ज्यादा मतलब पानी ऐसे पाइपों में भर करके और बहुत ज्यादा उसको गर्म किया जाता है, तो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो गर्म करने के लिए कुछ ईंधन चाहिए ना, तो किसको जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, जनरली इंडिया में कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जलाने के बाद अब कोयला जलेगा तो कुछ तो बाई प्रोडक्ट बचेगा ना मेरे भाई, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बचता है, वहां पे राख बचती है, उसी को बोलते हैं ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अब इसको क्या करते हैं, इसका कोई यूज नहीं बचता, अब इसको ऐसे फेंकेंगे तो साला ढेर लग जाएगा, तो है ना पॉल्यूशन हवा में बिगड़ेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, तो क्या करते हैं इसका यूज कर लेते हैं एज अ सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट बनाने में यूज कर लेते हैं। तो ये जो आती है किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्ले डोमिनेंट आता है, इसके अंदर क्ले के कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ये चीज होती है। दूसरा इसकी कैटेगरी और है, जो कि जैसे कहीं पे मान लो ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी के साथ काफी ज्यादा मात्रा में ये राख वगैरह निकलती है ना, ये क्यों काफी मान लीजिए ज्वालामुखी निकला ठंडा हो गया तो राख में कन्वर्ट हो गया, तो उसका भी उसको भी बोलते हैं अपन, तो इनका यूज कर लेते हैं अपन सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, एक प्रकार के ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया। फिर मरल होती है, कुछ मिट्टी होती है। अब मरल का डायरेक्टली एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि अगर कुछ टाइम बाद जो एक्सपायर हो गए ना, फिर वो कहाँ जाते हैं, है ना, तो ऐसा थोड़ी डेट चेंज करके फिर दे दिए, जो एक्सपायर रहते हैं सभी सीमेंट उद्योग में सब चल जाता है, तो ये आते हैं सब मरल वगैरह के अंदर, ये सेल वगैरह सब उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट मटेरियल है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो मटेरियल होगा उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, क्या क्या है, लाइम स्टोन, चाक और मरीन स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन के अंदर तो मुख्यतः हो गया, चाक के अंदर भी होता है, मरीन स्टोन के अंदर। अब इन दोनों को अपन 1:3 के रेशियो मिलाते हैं, मतलब 1:1 आपका क्या होगा, 1 भाग आर्जिलिसियस, 3 भाग कैल्केरियस, 1:3 के प्रोपोर्शन में। कितने के साइज में तोड़ देंगे, 25 mm की साइज पर इसको तोड़ देंगे। ठीक है, 25 mm की साइज पर इनको तोड़ेंगे और 25 mm की साइज पर ब्रेक डाउन करने के बाद 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, हीट एट अ हायर टेम्परेचर बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने बोला था ना कैल्सिनेशन जब लिखाया था कि अपन हायर टेम्परेचर पे गर्म करते हैं लेकिन बिलो मेल्टिंग पॉइंट, भैया इतना गर्म मत कर देना कि ये पिघल जाए, जितने मटेरियल पिघल के लिक्विड बन जाए, तो वो हायर टेम्परेचर में ही था 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, ओके, पढ़ा था प्रिंसिपल वाले लेक्चर में। इसके बाद ये बना जो आपका क्लिंकर बना, क्या बना, क्लिंकर। अभी क्लिंकर है क्या चीज, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, जटिल रासायनिक संगठन है। अब इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं बोगस कंपाउंड। और सीमेंट की जो प्रकृति होती है, सीमेंट जल्दी सेट होगा, ज्यादा हीट निकलेगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, सब कुछ डिपेंड करता है इस बोगस कंपाउंड के ऊपर। आप पढ़ेंगे डिटेल में बोगस कंपाउंड, बेसिक समझ में आया क्या पढ़ने वाले आज, चलिए लिखिए फटाफट लिखिए उसको, दिख रहा है सब कुछ, क्लियर, ब्लर है, एक मिनट रुकिए रिफ्रेश कर देते हैं, नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा आज। ओके, अब आ गया होगा, दिख रहा है कुंभज, चलिए लिखिए फटाफट लिखिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बोगस इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे यहाँ से, ठीक है, अच्छा कंटिन्यू। राजा विकास आपने भी लिख लिया, ओके ओके, चलिए भाई बोगस कंपाउंड, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा बोगस कंपाउंड का, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर पढ़ा है पहले, है ना।
असल व्यवस्था। अरे मेरे भाई कैसे करते हो यार। चलिए कोई नहीं, अभी सुनिए ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी प्रकृति डिपेंड करेगी इस पर। बोगस कंपाउंड हेडिंग डालिएगा, बोगस कंपाउंड। बोगस, बोगस एक प्रकार का साइंटिस्ट था ठीक है, बोगस साइंटिस्ट का नाम है जिसने सब खोज किया था, तो उसका नाम पे आ गया ठीक है। कल को मैं भी खोज करूँ तो मेरे नाम पे भी कुछ आ जाए ठीक है, ऐसे ही कुछ जुगाड़ था। बोगस कंपाउंड, बोगस कंपाउंड मुख्य चार प्रकार के होते हैं ठीक है। कितने प्रकार के? चार प्रकार। अब होते नहीं, एक्चुअली में जो केमिकल क्लिंकर बनते हैं ना उसके अंदर ये चार प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, चार प्रकार के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, उसको अपन बोल देते हैं अलग अलग। जैसे पहला होता है C3S, दूसरा होता है C2S, तीसरा होता है C3A, और एक होता है C4AF ठीक है। ये क्या चीजें हैं? देखो C3S बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट ठीक है, ये दो हो गए। ये तीसरा होता है आपका C3A को बोलते हैं अपन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ओके, यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C4AF होता है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनोफेराइट, एल्यूमिनोफेराइट ओके, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। तो चार प्रकार की चीजें हैं। पहला क्या होता है आपका C3S जिसको बोलते हैं अपन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और चौथा होता है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट ओके। याद रहेंगी चीजें, इसको इस तरीके से बना करके लिख लीजिए। अब देखिए है क्या क्या चीजें, जो आपने क्लिंकर बना था, जो आपका एक क्लिंकर बना था ठीक है, तो क्लिंकर के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। क्लिंकर के अंदर चार प्रकार पाए जाते हैं, इन्हीं चार का प्रपोर्शन डिपेंड करेगा सीमेंट की क्वालिटी। यही चार प्रपोर्शन आप किसको घटाते हो किसको बढ़ाते हो, इनका भी समझेंगे भाई साहब, अपना अपना कौन कौन सा रोल अदा करेंगे अभी पढ़ेंगे ठीक है। तो समझिएगा इसको, C3S के बारे में समझे ठीक है। C3S इसको एक नाम से और जानते हैं ठीक है, इसका सिंपल से पहले फार्मूला समझो। ये C3S इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ठीक है, C3S इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फार्मूला है ये होता है आपका 3CaOSiO2 ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया 3CaOSiO2 ओके। और इसका फार्मूला होता है आपका 2CaOSiO2 ठीक है, ये होता है आपका 2CaOSiO2। बीच वाले पार्ट का होता है आपका 3CaO ठीक है, जो आपका ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपका 3CaOAl2O3, Al2O3 ठीक है एल्यूमिनेट। इसके बाद ये जो आपका चौथा वाला ये होता है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट ठीक है, ये होता है आपका 4CaOAl2FE2O3, FE2O3, FE2O3 ओके, FE2O3 क्या होता है आपका 4CaOAl2FE2O3, ये होता है आपका कौन सा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। चार प्रकार के आपके कैल्शियम, चार प्रकार के आपके बोगस कंपाउंड हैं। नाम क्या क्या इनका? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये इनके सभी के फॉर्मूले हो गए ठीक है, फॉर्मूले हो गए। अब इनके नाम, इनके नेम क्या क्या है? एक और नाम है इनका, इसको बोलते हैं अपन एलाइट, क्या बोलते हैं? एलाइट। दूसरे वाले को बोलते हैं अपन बेलाइट ठीक है, दूसरे वाले को बोलते हैं बेलाइट। तीसरे वाले को बोलते हैं अपन सेलाइट ठीक है, क्या बोलते हैं? सेलाइट। और चौथे वाले को बोलते हैं अपन फेलाइट, चौथे वाले क्या बोलते हैं? फेलाइट, याद रखना इनको ओके। अब इसके बाद इनका परसेंटेज, कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं ये? तो परसेंटेज इसका ये पाया जाता है 25 से 50% ठीक है, 25 से लेकर के 50% तक, मतलब टोटल कैल्शियम कंपाउंड में से 50% के आसपास तो यही पाया जाएगा, 25 से 50 के बीच में वेरी करता रहेगा। एवरेज की बात करूँ तो एवरेज होता है ये 40% के आसपास, मतलब एवरेज की बात करूँ एवरेज लगभग 40% यही पाया जाएगा C3S, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये पाया जाता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है ठीक है, ये पाया जाता है आपका 25 से लेकर 40% तक एवरेज इसका, 25 से 40 तक एवरेज कितना है इसका? 25 से 40 तक पाया जाता है, वेरी करता है, एवरेज है 32%, 32% के आसपास आपका C2S पाया जाएगा ठीक है। बात करते हैं तीसरे वाले कंस्टिट्यूएंट्स की ठीक है, तीसरे वाले कंस्टिट्यूएंट्स की, तीसरे वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स है ये पाया जाता है आपका 5 से 11% तक, ये कम पाया जाता थोड़ा सा 5 से 11 तक, क्यों कम डालते हैं अभी पढ़ेंगे आगे। 5 से 11 इसका एवरेज वैल्यू है 8%, 8% एवरेज है
और जो आपका चौथा है, ठीक है, ये जो आपका चौथा फेलाइट बना है ये पाया जाता है आपका, ठीक है, 8 से, ठीक है, 8 से 14% तक, ठीक है, 8 से 14 तक एवरेज वैल्यू इसकी, ठीक है, एवरेज वैल्यू 9%, ये 9% एवरेज, ठीक है, ये आप चार्ट पहले बना लीजिए, ठीक है, वन लाइन याद करने के लिए, इतनी सारी जानकारी इनके बारे में, ठीक है, ये आपके बोगस कंपाउंड्स हैं, ये सारे आपके बोगस कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से, C3, C2F, C3A और C4AF, ये जो C3S है इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और चौथा आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ओके, अगला है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, C3CaO SiO2, दूसरे का क्या है, 2CaO SiO2, फिर यहाँ पे क्या है, 3CaO AL2O3, देन इसके बाद 4CaO Fe2O3, ऐसे करके चौथा वाला हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसका और नाम क्या है, इसको बोलते हैं, पहले वाले को एलाइट बोलते हैं, दूसरे वाले को बेलाइट बोलते हैं, तीसरे वाले को सेलाइट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं अपन, फेलाइट बोलते हैं, ओके, अगर इनके परसेंटेज की बात करें कितने परसेंटेज ये पाए जाएंगे, तो इनका जो परसेंटेज है 25 से 50% तक वेरी करता है आपका C3S का, ठीक है, और C2S वेरी करता है आपका 25 से 40% तक, C3A वेरी करता है आपका 5 से 11% तक, ओके, और जो आपका C4AF है ये वेरी करता है आपका 8 से 14% तक, ठीक है, बात करते हैं इनका एवरेज कितना है, कि 40% एवरेज है, ये 32% है, ये 8% है और ये 9% है, इनको आपको मुंह जवानी एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, चलिए लिखिए इनको फटाफट लिखिए, फिर अपन चलते हैं इनके बारे में, अभी तक हम लोग समझ लिया कि इतनी इतनी चीजें हैं, अब इनका रोल क्या क्या है, ये C3S किस कारण से क्या देता है सीमेंट के अंदर, C2S क्या देता है, C3A क्या देता है, C4A क्या, C4AF क्या देता है, एक बार हम ये समझ गए ना, तो हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे कि हमको किसको ज्यादा मिलाने से क्या मिलेगा, जैसे इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट है, जैसे C3S ज्यादा स्ट्रेंथ देगा तो अपने को पता चल जाएगा, अच्छा तो यही वो बंदा है जो सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ दे रहा है, थोड़ा इसको ज्यादा मिला के रखो, लेकिन इसका कुछ घाटा भी है ना, ज्यादा अगर मिला देंगे तो कुछ घाटा क्या है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, है ना, सेट धीरे होगा, तो ऐसे करके अपन प्रोपोर्शन फिक्स करेंगे, C2S क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद आएगी इसके कारण आती है, C3A क्या है, ये सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी सेट सीमेंट तक कब होगा, तो C3A है, तो जो हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट बनाते हैं ना, क्विक सेटिंग सीमेंट के 5 मिनट के अंदर सेट हो जाए, जैसे पानी वाले स्ट्रक्चर के लिए बनाना है, मान लो कोई नदी बह रही, वहां पे आपको कोई पुल बनाना है, पुल के लिए कोई उसके पाए बनाने हैं, ठीक है, उसके पाए बनाने, अब पाए समुद्र नदी के अंदर बनाने हैं, तो आप जल्दी जल्दी चाहते हो कि 1-2 घंटे के अंदर सीमेंट में फुल स्ट्रेंथ आ जाए, तब हम कौन से यूज करेंगे, उसके अंदर C3 की वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है कि ज्यादा मिला दोगे तो ऊर्जा टेम्परेचर बहुत ज्यादा, हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, ठीक है, अभी बात करेंगे हीट की, तो हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, इसका प्रोपोर्शन भी कम ही रखना है, फिर C4AF ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, बस ये क्या है कि इनके साथ ये बन जाता है, ये इसका कोई रोल है नहीं, थोड़ी बहुत सेटिंग टाइम को अफेक्ट करता है, बाकी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, चौथा वाला, बाकी 3 काम की चीजें हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लिखिए आगे चलते हैं, इरेज करें भाई इसको, ओके चलिए लिखते जा रहे हैं साथ साथ, बढ़िया बढ़िया, नोट्स इज मोर इम्पोर्टेंट बाबू, है ना, बनाइएगा साथ साथ नोट्स, अपने नोट्स ही काम आएंगे, हेडिंग डालिएगा C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ओके, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, परसेंटेज की बात कर चुके हैं 25 से 50% तक, एवरेज 40% तक, नाम है इसका एलाइट, ठीक है, इसके बारे में इतनी चीजें अपन जान चुके हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे क्या चेक क्या काम करता है, ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, दिस इज रेफर्ड एज अ बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है, दिस इज बेस्ट सीमेंट कंपाउंड, ओके, ये जो आपका इसे रेफर किया जाता है एज अ बेस्ट सीमेंट कंपाउंड, सबसे बेस्ट तरीके सीमेंट कंपाउंड यही होता है,
जो उसके अंदर स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है आपका, इट मेक्स, पहला क्या बनाता है, इट मेक्स द क्लिंकर, इट मेक्स द क्लिंकर इजी टू ग्राइंड, इजी टू ग्राइंड। ये क्लिंकर को ऐसा बनाता है ताकि जिसके कारण जो क्लिंकर है आसानी से उसे ग्राइंड किया जा सके, पीसा जा सके, ठीक है। जो क्लिंकर बनता है कुछ ऐसे ढीले होते हैं, अब ये अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो ये इसका काम क्या है कि इस क्लिंकर को इतना ऐसा बनाता है कि अपन जब इसको ग्राइंड करेंगे तो आसानी से ये एकदम फाइन पार्टिकल में टूट जाता है, आसानी से फाइननेस आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये किसके कारण हो पाता है, C3S के कारण, ओके। दूसरा चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्लियर स्ट्रेंथ। तीसरा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब ये कि पहले 7 दिन के अंदर जो आपके स्ट्रक्चर, सीमेंट से आपने स्ट्रक्चर कुछ बनाया, कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया, जो स्ट्रेंथ मिलेगी उसे बोलते हैं अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। वो अर्ली स्ट्रेंथ किसके कारण आती है, C3S के कारण आती है। तुरंत जो स्ट्रेंथ आती है ना पहले 7 दिन के अंदर, वो किसके कारण आती है आपकी, C3S के कारण। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है, मतलब 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आती है सीमेंट में, वो किसके कारण आती है, वो आती है आपकी C2S के कारण। तो पहले C3S के कारण जो अंदर 7 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ रहेगी वो किसके कारण रहेगी, C3S के कारण। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्लियर स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, इम्पार्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थावीन। अगला पॉइंट है, इम्पार्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थावीन। फ्रीजिंग और थावीन, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग मतलब जमना, जमना बोलते हैं इसको, थावीन मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो अगर मान लीजिए आपका घर स्ट्रक्चर आपने कहीं बनाया, और जैसे आपने राजस्थान में बनाया, वहाँ गर्मी के टाइम पे कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, गर्मी के टाइम पे भाई टेम्परेचर वहाँ 35 डिग्री, 36 डिग्री या है ना 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो उस केस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके कारण जो आपके स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा, या कि आपने मान लीजिए बनाया कहाँ, जम्मू कश्मीर टाइप की जगह में, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी गर्मी के टाइम पे इतना कम टेम्परेचर रहता है, और अभी ठंडी के टाइम पे तो और ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है, मतलब माइनस के लगभग पहुंचने लग जाता है। तो वहाँ अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा इसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, C3S करता है। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट आपके स्ट्रक्चर पर ना दिखे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेजिस्टेंस कौन देगा उसके, उसका C3S देगा, ठीक है। तो पांचवा नंबर पॉइंट क्या है, जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट हाइड्रेट्स 7 डेज, ठीक है, इट हाइड्रेट्स विद इन 7 डेज, ठीक है, विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर हाइड्रेट हो जाता है। हाइड्रेट का मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि पानी मिलाने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग द वाटर, कंप्लीट रिएक्शन होना या कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होना। जैसे मान लेता हूँ आपने सीमेंट लिया ना, आपने सीमेंट लिया, इसमें क्या मिलाया आपने, वाटर ऐड किया, ठीक है, पानी मिलाया, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होता है। पानी मिलाने के बाद क्या होता है, केमिकल, आपने देखा होगा अगर कभी सीमेंट पानी मिलाते, अगर देखा होगा तो जैसे पानी डालते थोड़े थोड़े बुलबुले निकले करते हैं, तो उसके बाद थोड़ी हीट निकलती है, तुरंत आप सीमेंट पानी डालो तो ऐसे हीट के साथ कुछ कुछ उसके बुलबुले निकलते हैं, तो जो होती है वही केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। उसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं अपन हाइड्रेशन, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और इसी हाइड्रेशन के दौरान कुछ हीट निकलती है, क्या निकलती है, कुछ ऊष्मा निकलती है, जिसे बोलते हैं अपन हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके, क्या बोलते हैं दोस्त, हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखो क्या होता है, इट हाइड्रेट्स विद इन 7 डेज, तो सीमेंट के अंदर अब ये हाइड्रेशन तुरंत ही नहीं हो जाता है, ये हाइड्रेशन लगातार चलता रहता है, ठीक है, ये लगातार 28 दिन तक, ऐसा मानते हैं 28 दिन तक ये हाइड्रेशन चलता रहता है। ये जो C2S होता है ना, इसका हाइड्रेशन लगातार 28 दिन तक चलता रहता है, तभी जो स्ट्रेंथ होती है ना कंक्रीट की, वो कंप्लीट कम मानी जाती है 28 दिन के बाद, क्योंकि लगातार जो हाइड्रेशन वो कब तक चलता रहता है, 28 दिन तक, ठीक है। इस हाइड्रेशन का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन चलती रहती है जिसके कारण स्ट्रेंथ मिलती है अपने को, ठीक है। तो हाइड्रेशन लगातार 28 दिन तक चलता रहता है, लेकिन ये किसका 28 दिन तक चलता है, C2S का। हमारे अंदर जो केमिकल कंपाउंड है आपका C3S, ये कितने दिन में कंप्लीटली हाइड्रेट हो जाता है आपका, 7 डेज में। इसीलिए 7 डेज तक की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है 7 दिन की स्ट्रेंथ का, क्योंकि 7 दिन के अंदर आपका वो हो जाएगा, कंप्लीटली हाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है।
अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, कितना जनरेट करता है, तो 1 ग्राम सीमेंट में अगर आप पानी ऐड करोगे तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, जो हीट निकलेगी, वो लगभग पता कितनी होगी, 500 जूल होगी, 500 जूल पर ग्राम। तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है, 500 जूल पर ग्राम। ये बहुत एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज है। पूछता है कि C3S हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है, तो 500 जूल है। C2S की कितनी है, C3A की कितनी है, और C4AF की कितनी है। ऐसा करके सीक्वेंस पूछता है कि सबसे कम किसकी, फिर सबसे ज्यादा किसकी, ऐसे करके सीक्वेंस बताइए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। पहला क्या चीज, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कितना होता है, 500 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। जनरेट, अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। हाइड्रेशन क्या चीज होती है, सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, इसे हाइड्रेशन बोलते हैं, और कुछ उस टाइम पर एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन की बात हो गई। इट हाइड्रेट विद इन 7 दिन के अंदर हाइड्रेट हो जाता है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल किसकी, अर्लियर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। इम्पार्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थाविंग, फ्रीजिंग और थाविंग के लिए रेजिस्टेंस देता है, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा घट जाए, तो उस केस में आपकी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का गुरोजन या दरारें ना पड़े, उसके लिए कौन रेजिस्टेंस देता है, तो आपका C3S देता है, ठीक है। और क्या, तो आपको ये तो ठीक है, लैंग्वेज के अंदर अपने लिख लेना, लेकिन याद अपनी लैंग्वेज में करना, क्योंकि चीजें अपनी लैंग्वेज में ज्यादा याद रहती है। क्या याद रखोगे, सबसे बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड है, याद रहेगा, ठीक है। क्लिंकर को आसानी से ग्राइंड करने में मदद करता है, मतलब आसानी से पीसने में, आसानी से उसको एकदम पाउडर फॉर्म में, आटे के फॉर्म में पीसने में मदद करता है, किस कारण हो पाता है, C3S कारण। दूसरा चीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्लियर स्ट्रेंथ, जो इनिशियल स्ट्रेंथ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्लियर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीमेंट के अंदर, अंदर 7 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी C3S के अंदर आएगी। इम्पार्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थाविंग, फ्रीजिंग और थाविंग के लिए जो रेजिस्टेंस देगा, कौन कर देगा, C3S देगा। हाइड्रेट विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर हाइड्रेट हो जाता है, कौन सा, फ्रीजिंग एंड थाविंग, थाविंग थाविंग मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, फ्रीजिंग एंड थाविंग, THAWING, थाविंग, ठीक है। इसके बाद अगला क्या, जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, कितना, 500 जूल पर ग्राम। किसकी, ये ऑल अबाउट हो गया किसके, C3S के बारे में, ठीक है, किसके बारे में हो गया, C3S के बारे में। अगला पढ़ेंगे C2S के बारे में, समझ में आ गया सारी चीजें, चलिए आगे लिखते हैं C2S के बारे में, साथ साथ लिखते भी जाइएगा भाई इनको, ओके। चलिए अगला है आपका कौन सा, C2S, C2S नाम क्या इसका, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। फॉर्मूला क्या होता है, 2CaOSiO2, ठीक है, 2CaOSiO2। और क्या इसके अंदर खास बात, परसेंटेज कितना, 25 से 40%, एवरेज बोले तो 32%। नाम क्या है, बेलाइट, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अपने को रखनी है। इसके बाद एक एक स्टेप करके लिखना शुरू करेंगे। पहली चीज, पहला स्टेप लिखेंगे इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, 28 डेज की स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब 28 डेज की स्ट्रेंथ। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, 28 डेज की स्ट्रेंथ के लिए। दूसरी चीज क्या है, हाँ नहीं, वो सेवन डेज क्या कर रहे हो आप, जो C3S था, हाँ कंप्लीट हो जाता है 28 डेज के अंदर, कंप्लीट हाइड्रेशन होगा। तो देखो 28 डेज के अंदर मान लो सीमेंट के जितने कंपाउंड है सभी का हाइड्रेशन हो जाएगा, इसे बोलते चार कंपाउंड है आपका, ठीक है, कौन कौन से, C3S, C2S, C3A और C4AF, ठीक है, ऐसे करके हम चारों, ये जो C3S है 7 दिन में हाइड्रेट हो गया, C2S 28 दिन में हो गया, ये 24 घंटे के अंदर हो गया, और ये भी 24 घंटे के अंदर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके सारे हाइड्रेट हो जाते हैं, मैक्सिमम 28 दिन कौन ले रहा है, C2S, इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, C2S। इनिशियल के लिए कौन सा, 7 दिन के अंदर जो C3S है, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ क्या बोलो,
ओके ठीक है, चलिए तो C3 है क्या आपका? C3 तो ये तो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो सिटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है आगे चलते हैं, तो इसकी बात करें ये अल्टीमेट के लिए है, C3 ऐसा आपका इनिशियल के लिए था। पहले 7 दिन जो स्ट्रेंथ आएगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो C3S है। टोटल 28 दिन के बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? C2S। क्लियर हो गई बात? चलिए रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दूसरा क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे दिस इज, ठीक है दिस इज इंप्रूव्स, दिस इज इंप्रूव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ओके रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक। ये क्या करता है? सीमेंट को केमिकल अटैक से बचाता है। ठीक है रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, सीमेंट को केमिकल, अब से केमिकल अटैक क्या होता है आगे आगे पढ़ेंगे। जैसे सीमेंट के अंदर कोई ऐसा केमिकल मिल गया जिससे सीमेंट का क्रोजन होने लगा, क्रोजन बोले तो क्षरण, उसकी परत ऐसे चुरचुरा कर करके झड़ने लग गई, उसको बोलते हैं कि क्रोजन हो जाना, और वो होता है केमिकल अटैक के कारण। तो ये उससे बचाता है आपको। ठीक है ये जो C2 ऐसे आपकी स्ट्रक्चर को केमिकल अटैक से बचाता है। ठीक है मतलब क्या देखा आप लोग ने यार, कई बार क्या होता है अपने सीमेंट स्ट्रक्चर में कहीं पे कोने से भी मान लो वहां पे कुछ ऐसा एसिड वगैरह पड़ गया हो, ठीक है कुछ एसिड वगैरह, या कि मान लो वो स्ट्रक्चर ही कहीं एसिडिक एरिया में रहा हो, या कि मान लो वो स्ट्रक्चर बना हो जहाँ पे कुछ आपने हमेशा देखा होगा अगर आप लैब वगैरह गए हो अपने, ठीक है लैब वगैरह, तो आपने केमिकल लैब में देखा उसकी जो दीवारें रहा करते थे जहाँ पे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह का टेस्ट किया करते थे, तो वहाँ की जो दीवारें वहाँ की थोड़ी से पेंट वगैरह उसको झड़ जाया करे, वहाँ के सीमेंट में थोड़ा सा चुरचुरा जाया करे। ठीक है तो किस कारण होता है? यही केमिकल अटैक के कारण। तो कुछ भी केमिकल अगर पड़ा ना, ठीक है कुछ भी केमिकल अगर पड़ता है सीमेंट पे, तो केमिकल अटैक के कारण वो उसका कोरोजन होने लग जाता है, उसी उसी से बचाता है कौन आपका? C2S। ठीक है अगर इसका परसेंटेज कम है तो वो केमिकल अटैक होगा, ये सही मात्रा में तो इससे बचाए रखता है। ठीक है इसके बाद क्या अगला पॉइंट? इट टेक 28 डे फॉर, इट टेक्स 28 डेज ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है 28 डेज ऑफ हाइड्रेशन, ये कितने दिन में हाइड्रेशन होता है? 28 डेज में। इट प्रोड्यूस लेसर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए जिसका पीरियड जितना लंबा होगा उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी कम होगी। जैसे ये 28 दिन लेता है कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन में, तो थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रेट होता होगा ना, तब ना 28 दिन लग रहे हैं। तो ये 28 दिन लेता है इसलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होती है, लगभग कितनी होती है? 1 ग्राम के लिए 262 जूल पर ग्राम, 262 जूल पर ग्राम सबसे कम होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है तो ऐसे स्ट्रक्चर जो जैसे बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, मैसिव मतलब बहुत भारी स्ट्रक्चर, जैसे डैम हो गया, डैम एक प्रकार का अपना मैसिव स्ट्रक्चर है। कैसा मैसिव मतलब बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर ना, हमको वहां ऐसा सीमेंट चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत कम हीट निकले, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हीट निकलेगी ना, और इतना बड़ा आपने स्ट्रक्चर बना दिया बहुत ज्यादा हीट निकल रही, तो होगा क्या? दरारें पड़ जाएंगी उसके अंदर। ठीक है क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाएंगी। तो हमको वहां पे ऐसा सीमेंट यूज करना है इन मैसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, ठीक है इन मैसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए ऐसा सीमेंट यूज करना है जिसके अंदर जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन हो सबसे मिनिमम हो, सबसे कम हो। ठीक है तो अपन उसमें उस प्रकार की जो सीमेंट बनाई जाएंगी, ठीक है लेस हीट वाली सीमेंट, उसके अंदर अपना इस परसेंट को ज्यादा मिला देंगे। ये जो आपका C2S है ना भाई साहब, इसको आप ज्यादा मिला दो, ये ज्यादा रहेगा तो ये हीट कम जनरेट करेगा, अगर इसको ज्यादा करोगे तो किसी को कम करना पड़ेगा ना, या तो आप C3S को कम करोगे, ठीक है या तो आप C3S को कम करोगे या C3A को कम करोगे। अपन पढ़ेंगे ना इन्हीं को आगे पीछे करके अपन इस तरीके की सीमेंट बनाते हैं कि सीमेंट से हीट कब ज्यादा निकलेगी। तो अगर अपन कोई मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना उस केस में हमको लेसर हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली सीमेंट चाहिए, तो उस केस में अपन C2S के प्रपोर्शन को बढ़ा देते हैं, 25 से 40 है ना, तो 40 के आसपास रख लेते हैं, मतलब रखना इसी के बीच में, 25 थोड़ा बढ़ा करके 40 35-40 के बीच में रख दीजिए, और जो C3A वाला है जो कि ज्यादा हीट जनरेट करता है उसको कम कर दीजिए। इस तरीके से भी आगे बात करेंगे। तो बात क्या हो रही थी? इट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, कितना प्रोड्यूस करता है? 262 जूल पर ग्राम। ठीक है तो मैसिव स्ट्रक्चर वगैरह में इसका परसेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है ये तो मैंने जस्ट बता दिया, बस देख लीजिए। ओके और क्या चीज और अगला लिखिए, इट डिक्रीजेज अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये क्या करता है? सीमेंट की अर्लियर स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। एक घाटा ये है, मान लीजिए ठीक है आपने इसका परसेंटेज बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि हमको उस सीमेंट को यूज करना था बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत भारी स्ट्रक्चर बनाने में, मैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे डैम वगैरह, तो आपने इसका प्रपोर्शन बढ़ा दिया,
लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो दिक्कत ये है कि अर्लियर स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, इट डिक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब अगले 7 दिन के अंदर स्ट्रेंथ तो नहीं कम हो जाएगी, मतलब 7 दिन के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि फिर आपने इसको बढ़ाया तो फिर C3S को कम किया होगा, तो अगर C3S कम हो गया है तो फिर आपकी अर्लियर स्ट्रेंथ कम रहेगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट 28 दिन के बाद तो स्ट्रेंथ सेम रहेगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका उतनी रहेगा, लेकिन जो अर्लियर स्ट्रेंथ आती है ना वो तो आती थी C3S की वजह से। अब भाई साहब आपने इसको बढ़ाया तो उसको कम किया होगा ना, तो अर्लियर स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है, तो ये इससे घाटा है, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला आपका? ओके बस यही है और क्या, हाँ अर्लियर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है, डिक्रीज अर्लियर स्ट्रेंथ एंड बट, एक और लाइन लिखेंगे यहाँ पे, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी सेम, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ आपकी सेम रहेगी, वो आपकी किस तरीके से परिवर्तित नहीं होगी। ओके चलिए क्लियर है तो कोई दिक्कत, चलिए लिखिए फटाफट लिखिए, फिर आगे चलते अपन C3A के बारे में पढ़े, C3A, ठीक C3A, C3A, ओके। देखो यार सीमेंट के अंदर ना यही दो तीन चीजें समझने लायक है, बाकी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट है ना, ये समझ गए तो फिर इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ है नहीं, सारे मटेरियल को मिलाओ गर्म करो पीसो सीमेंट बन गया है ना, मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है, ठीक है। बात है इंपॉर्टेंट टेस्ट की, कौन कौन से टेस्ट करेंगे इसके अंदर, जैसे आप कल को सिविल इंजीनियर बन गए ना, अब आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए भेज दिया और उधर आपका आपके साइड में सीमेंट आई, तो आप उसमें कौन कौन से टेस्ट करोगे, क्या क्या देखो क्योंकि वो सीमेंट अच्छा है कि खराब है, तो अपन टेस्ट के अंदर समझेंगे, ठीक है। अगला लिखेगा C3A, ठीक है C3A, इसको बोलते हैं अपन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फार्मूला होता है क्या 3CaO Al2O3, परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट होता है 5 से 11%, ठीक है 5 से 11%, ठीक है एवरेज की बात करें तो 10.5% के आसपास इसका एवरेज होता है, वहां पर मैंने इसका कितना 8% लिखा था ना, ये 8 से लेकर 10.5% लगभग एवरेज होता है, उसको सुधार के 10.5% कर लीजिएगा 10.5% एवरेज। नाम क्या है इसका सेलाइट इसका नाम, ठीक है नाम क्या है आपका सेलाइट, देखिए इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट, ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, क्विक सेटिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब क्विक सेटिंग क्या होती है, क्विक सेटिंग मतलब ये होती है कि जल्दी सेट होगा, जल्दी सेट होने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लीजिए आपका सीमेंट हो गया, ठीक है ये आपका सीमेंट पे एक ढेर है, अब इसके अंदर आपने क्या मिलाया पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद ये कुछ कुछ लिक्विड कंडीशन में आ गया, क्या लिक्विड बोल सकते हैं इसको, सेमी प्लास्टिक बोल सकते हैं, ठीक है प्लास्टिक कंडीशन में बोल सकते हैं, या कि थोड़ा सा लिक्विड बहता ही रहता है सीमेंट में जो पानी मिलाते हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं कि अपने एकदम टाइट बनाया, कुछ लिक्विड कंडीशन में कुछ टाइम के बाद क्या होगा ये जमने लग जाएगा और इसके अंदर प्लास्टिसिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्या आनी शुरू हो जाएगी भाई प्लास्टिसिटी क्या चीज होती है, अभी इसको सॉइल के अंदर पढ़ेंगे एक्चुअली में, अरे प्लास्टिसिटी का मतलब है कि हल्की हल्की उसके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है, मतलब अब आप उसको जिस शेप में रख दोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे उसको एक ऐसे पनीर के शेप में काटा इस सीमेंट को, तो ऐसे ही रहेगा अभी पिघलेगा नहीं, लेकिन अगर शुरू शुरू में आप ऐसे काटोगे तो यहाँ पे रखोगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसे ऐसे है ना, इसका शेप साइज बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर आप इसको कुछ टाइम के बाद कुछ समय के पश्चात आप इसको कट करोगे ना तो ये एकदम पनीर के शेप में रहेगा, तो ये जिस शेप जिस टाइम से ये इस शेप में रहना शुरू हो जाए, मतलब इस स्टेट को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट, तो प्लास्टिक स्टेट में आना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं अपन सेटिंग टाइम, मतलब वो सेट होना शुरू हो चुका है, और जितने टाइम शुरू होता है सेट होना उसको बोलते हैं इनिशियल सेट, और जब एकदम फाइनल सेट हो चुका है मतलब एकदम स्ट्रेंथ आ चुकी है उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, तो जो शुरू होना शुरू हो मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या बोलते हैं उसको क्विक सेटिंग, मतलब जैसे ये प्लास्टिक स्टेट जहां से शुरू होता है बनना, जैसे आपकी लिक्विड कंडीशन है अभी इसके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई हुई है तो उसको बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ये C3A, अगर ये ज्यादा रहेगा तो सीमेंट को बहुत जल्दी सेट कर देगा, पानी मिलाया है उसके 5 मिनट के बाद ही सेट होना शुरू हो जाएगा, तो मान लो आपने पानी मिलाया, अभी मान लो अभी नॉर्मल जो अपन सीमेंट यूज करते हैं ना ओपीसी यूज करते हैं, कौन सीमेंट यूज करते हैं ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अगर मान लीजिए इसके अंदर अपन एलुमिना को ज्यादा बढ़ा देते ना, या कि वो फिर जैसे एलुमिना को ज्यादा बढ़ाते तो वो क्विक सेटिंग कहलाता, क्या कहलाता फिर क्विक सेटिंग, जिप्सम हटा दीजिए और एलुमिना बढ़ा दीजिए तो क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाएगा, ठीक है,
और सी टू एस को घटा दीजिए, क्योंकि सी टू एस क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, तो सी टी एस को घटा दीजिए, एलमोना वाले पार्ट को बढ़ा दीजिए, तो आपका क्विक सेटिंग बन गया। अब मान लीजिए आप क्विक सेटिंग सीमेंट अपने साइड में लेकर के आ गए, अपने कंस्ट्रक्शन साइड में, और लेबरों ने क्या किया भाई साहब, बनाया, ठीक है, मसाला बनाया, मसाला बना करके साइड में बैठ के बीड़ी पीने लग गए। अब जब तक उनका बीड़ी खत्म हो तब तक तो सीमेंट जमना शुरू हो गया है कि नहीं भाई साहब, 5 मिनट के अंदर जमना शुरू, मतलब जब तक उनका तंबाकू बीड़ी खत्म हो तब तक यहाँ सीमेंट जमना शुरू हो गया, तो जमना शुरू हो चुका वहीं पे, और जमना हमको कहाँ पे चाहिए था, जहाँ पे आप डाल दोगे, तो आधा तो वहीं पे जम गया जब तक वो उसमें डालेंगे, और जब तक उनका मतलब खाना पीना होगा तब तक तो यहाँ तो सब कांड हो जाएगा ना, मतलब तंबाकू गेड़ी होगा, तब तक तो आधी सीमेंट सेट हो गई वहीं पे, 15 मिनट के अंदर तो आधी सेट हो गई वहीं पे, तो एक्चुअल में फिर उसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो अपन लोग यूज करते हैं ओपीसी, इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है 30 मिनट होती है, मतलब बनाने के 30 मिनट बाद ये बनने जमनी शुरू होती है, या इसके अंदर प्लास्टिसिटी 30 मिनट के बाद आती है, ठीक है, इसीलिए आती है। ओके, जो आपकी क्विक सेटिंग होती है उसकी 5 मिनट होती है, तो वो यूज करते हैं अपन कुछ मान लीजिए पानी वाले स्ट्रक्चर्स में, है ना, अगर कहीं पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं अपन, वहां पे यूज करते हैं क्विक सेटिंग का, ठीक है। तो एक इसके लिए रिस्पांसिबल है, रिस्पांसिबल कौन है क्विक सेटिंग के लिए? हाँ, क्या बोलिए बोलिए, किसको? अरे तो देखो, हर सीमेंट के अंदर रहता है, चाहे आप कोई भी दुनिया का सीमेंट बनाओ, क्या हो रही है, ठीक है, कोई भी सीमेंट अगर बनाओगे उसके अंदर आपका ये वाला जो पार्ट है C3A वाला, वो रहेगा ही, परसेंटेज में कम रहेगा, ठीक है, कितना परसेंट, 5 से 11%, तो 5 से 6% के आसपास रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको जीरो कर दोगे, जीरो कर दोगे भाई साहब सेट ही ना होगा, फिर तो 30 मिनट नहीं, फिर 3 घंटे 6 घंटे बाद सेट होगा, तो ऐसा भी तो नहीं कितना लेट सेट हो, है ना, तो हमको चाहिए, तो ये रहेगा, बस परसेंटेज कम रहेंगे, चारों रहेंगे, ठीक है, जो चारों पढ़ना C3S C2S, इनके अपन परसेंटेज बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि इसको जीरो ही कर देंगे, थोड़ा सा घटा देंगे, घटाएंगे तो प्रॉपर्टी घट जाएगी, बढ़ाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी वो वाली बढ़ जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। कंप्लीटली ना तो किसी को रिमूव करते हैं और ना कंप्लीटली किसी को हटाते हैं अपन, ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में रहते हैं, ठीक है, तो अपन उसकी परसेंटेज को घटाते हैं बढ़ाते हैं, समझ में आई बात ना, परसेंटेज को अपन घटाते बढ़ाते हैं, पूरी तरह से इसको रिमूव थोड़ी ना करते हैं। दूसरी चीज दिखेंगे, जनरेट्स, जनरेट्स ग्रेटेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब अत्यधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है भाई सब, बहुत ज्यादा हीट निकलती है इसके अंदर, मैंने बताया था ना जो सीमेंट मैसिव स्ट्रक्चर के लिए बनाया जाता है उनके अंदर हीट कम चाहिए, तो अपन इसको कम कर देते हैं, ये C3A वाले को, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये बहुत ज्यादा हीट देता है, कितना देता है ये, लगभग 865, ठीक है, 865 जूल पर ग्राम, 1 ग्राम के अंदर 865, अब देख रहा ना, पहला वाला 500, फिर 262, अब ये 865, इतना हीट देता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, दिस इज मेक सीमेंट ससेप्टिबल टू केमिकल अटैक, ठीक है, ये सीमेंट को केमिकल अटैक के लायक बनाता है, ये केमिकल अटैक लायक बनाता है, ठीक है, मतलब अगर ये मात्रा ज्यादा है ना तो केमिकल अटैक का खतरा बहुत ज्यादा है, ठीक है। केमिकल अटैक का मतलब क्या होता है, केमिकल अटैक का मतलब वही है ना कि कोई ऐसा केमिकल आकर के मिल जाए जिसके कारण सीमेंट का क्रोजन हो, सीमेंट का क्षरण हो, उसको बोलते हैं अपन केमिकल अटैक। तो अगर इसकी मात्रा आप ज्यादा मिलो देंगे तो सीमेंट का क्षरण होने का ज्यादा चांस है या क्रोजन होने का ज्यादा चांस है, ठीक है, मेनली, ठीक है, अटैक स्पेशली फॉर सल्फेट अटैक, अगर ये मिलाओगे ना तो स्पेशली इसके अंदर सल्फेट का अटैक बहुत ज्यादा होगा। सल्फेट का अटैक का मतलब क्या है, देखो क्या करेगा, अगर ये ज्यादा मिले है ना तो ये सल्फेट के साथ क्रिया करके एक तत्व बना लेगा, एक पदार्थ बनाएगा जो कि सीमेंट का क्षरण करता है, क्या बनाएगा, अगर ये मान लीजिए आप ये आपका क्या है, एल्यूमिनेट है, ना, कैल्शियम एल्यूमिनेट है, तो अगर ये एल्यूमिनेट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपने मिला दिया तो होगा क्या, सल्फेट के साथ, अगर कहीं पे मान लीजिए सल्फर प्रेजेंट है, आपने स्ट्रक्चर कहीं पे बनाया वहां पे सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सल्फर के साथ क्रिया करेगा, ये क्या करेगा, सल्फर के साथ क्रिया करेगा, और सल्फर के साथ क्रिया करके एक पदार्थ बनाएगा, सल्फेट मान लीजिए इसको, ठीक है, सल्फर का ही हो पर इसको सल्फेट बोल देते हैं, एल्यूमिनेट क्रिया करेगा सल्फेट के साथ और एक पदार्थ बनाएगा जिसको बोलते हैं सल्फो एल्यूमिनेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फियो एल्यूमिनेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट आपने किसको बढ़ाया यहाँ पे, C3A को बढ़ाया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को बनाया, बढ़ाया सल्फेट, अब ये बढ़ा दिया तो सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाई गई, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ये जो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट है ये क्या करता है,
ये बना, ये कैल्शियम का क्रोजन कर, सॉरी सीमेंट का क्रोजन कर देता है, क्या करता है सीमेंट का क्रोजन कर देता है, सीमेंट का क्षरण कर देता है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा मिलाओगे और सल्फर प्रेजेंट है वहां पे, तो जहां पे सल्फर वाला प्रोडक्ट अपन जब टेस्ट करते हैं सॉइल को देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई सल्फर का कंस्टिट्यूएंट्स ज्यादा प्रेजेंट है ना, वहां पे C3S जिसके अंदर, C3A जिसके अंदर कम होगा वो वाला यूज करेंगे। अब बोलोगे यार ये कहाँ होता है, तो देख रहा एक चीज देखिएगा, आपने सीवर लाइंस देखी है ना, या सीवर लाइन देखी ना, ठीक है, सीवर लाइंस नालियां जो हमारे घर के सामने जाती है, वहां से देखोगे यार जब आप उसके घर के उसके बगल से एक बहुत भयंकर गंध निकलती है, उससे निकलती है ना एकदम तीसरा गंध, वो गंध किसकी होती है, वो अमोनिया और सल्फर की होती है। तो मतलब जो ये अब सीवर लाइन के अंदर होता क्या है एक्चुअली में, सीवर लाइन के अंदर पूरे शहर का वेस्ट प्रोडक्ट जाता है ना, मतलब सीवर मतलब जो आपके टॉयलेट वेस्ट से जो पानी निकला वो भी उसके अंदर सप्लाई हो रहा है, और जो पानी निकला वो सप्लाई हो रहा है ना, आपके घर से नहाने धोने का पानी वही सीवर लाइंस के थ्रू जा रहा है। तो जो हम लोग खाते हैं सल्फर, जैसे आपने प्याज खाया, फिर आपके यूरिन वेस्ट के थ्रू वो बह करके, मान लीजिए आपने रात को प्याज खाया, प्याज के अंदर पाया जाता है सल्फर, आपने यूरिनियल वेस्ट किया, वो वेस्ट निकल करके बह करके सुबह नाली में चला गया, अब वो नाली से होता हुआ सीवर लाइन में चला गया, तो सल्फर आ गया सीवर लाइन के अंदर। अब वो सल्फर क्या करेगा, अब मान लीजिए अब वो जो सीवर लाइन बनाई किसकी बनाई हुई है, सीमेंट कॉन्क्रीट की बनाई है ना, किसकी बनाई है सीमेंट कॉन्क्रीट की। अब मान लीजिए जो सीमेंट आपने यहाँ पे यूज किया उसके अंदर ये C3A ज्यादा था, क्या था C3A ज्यादा था, तो अगर ये C3A ज्यादा होगा तो जो ये सल्फर बह करके आया है ये C3A के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा भाई, C3A के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, और क्या करेगा जो उसकी अंदर वाली लेयर होंगी ना सीवर लाइन की, जो ये मान लो सीवर लाइन, तो इसकी जो अंदर वाली लेयर है इसको क्रोजन कर देगी, क्षरण कर देगी, और आपकी जो नालियां सीवर लाइन वो टूट जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोजन क्रोजन करता है, इसी को बोलते हैं अपन सल्फेट अटैक, क्या बोलते हैं सल्फेट अटैक। तो ये क्या करता है आपका, दिस इज मेक सीमेंट ससेप्टिबल, सीमेंट को ससेप्टिबल बनाता है सल्फेट अटैक की। बात क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, हाँ समझ में आया कि नहीं, फील आई कि नहीं आई, मजा आ रहा है ना दोस्त, एक दिन का बैच नहीं है, ठीक है 6 महीने चलना ऐसे ही, ठीक है, एंजॉय करके पढ़ते रहिए, इन चीजों को फील करिए तभी आसपास की चीजों से, भाई सीवर लाइन तो सबने देखा, अच्छा इसीलिए वहां से गंदा निकलती है, अमोनिया निकलता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल हम ही है, हम ही ने उसको सल्फर दिया है कि नहीं, ऐसे फील करते रहिएगा। अगला क्या, अगला अगला पॉइंट देखिए, ये सब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, सब आप लिख लीजिएगा, ओके अगला लाइन देखिए, ऐसे काम चलता है भाई यहाँ पे, है ना, अभी इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे ना फिर देखिएगा, ये जो मैं आपको सिविल लाइंस वगैरह पढ़ा बना रहा हूँ बता रहा हूँ ना, ये जब अपन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, फील आ जाएगी इन चीजों, अभी जो विकास सब्जेक्ट है तो सारी चीजें कनेक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, एक दो सब्जेक्ट होने दीजिए फिर देखिएगा। फिर क्या है मैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है मैंने बताया ना अभी, मैसिव स्ट्रक्चर, मैसिव मतलब भारी भरकम स्ट्रक्चर, डैम वगैरह, ठीक है उनको बोलते हैं जिनके अंदर मास कंक्रीटिंग की जा रही है, क्या की जा रही हो मास कंक्रीटिंग, बहुत ज्यादा कंक्रीटिंग की जा रही हो, ठीक है। आपको पता है एक एक बांध है, एक डैम है चाइना के अंदर, वो इतना ज्यादा मास कंक्रीटिंग उसके अंदर करी गई है कि उसने पृथ्वी की गति ही कम कर दी भाई, इतनी ज्यादा कंक्रीटिंग उसके अंदर कर दी गई कि पृथ्वी की कुछ सेकंड उसने गति को ही कर दिया कम, इतना ज्यादा कंक्रीटिंग। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऐसे जो मास कंक्रीटिंग होती है, ठीक है मास कंक्रीटिंग होती है, इनको बोलते हैं अपन मैसिव स्ट्रक्चर, और इनके अंदर अगर इतना ज्यादा ये वाला C3A की वैल्यू ज्यादा रहेगी ना तो उसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी, क्योंकि हीट निकला, अब हीट निकलेगा तो निकलने के लिए उसको जगह चाहिए, अब जगह चाहिए तो दरारें पड़ के निकल जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी उसके अंदर, ठीक है दरारें पड़ जाएंगी, इसलिए इसका वैल्यू अपन कम रखते हैं, C3A की वैल्यू कम रखते हैं, ठीक है इसकी वैल्यू C3A की वैल्यू कम रखते हैं किसके अंदर, मैसिव स्ट्रक्चर के अंदर जो सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है वो क्लियर कॉन्सेप्ट, हाँ आया समझ में, चलिए अब इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना था अपने, और हाँ एक चीज और लिखना, एक पॉइंट और लिखना, इट हाइड्रेट, अपन ने पहला वाला देखा 7 दिन के अंदर हाइड्रेट, दूसरा वाला देखा 28 दिन के अंदर, ये कितने दिन में, इट हाइड्रेट विद इन 24 आवर, बहुत फास्ट है भाई ये, ठीक है बहुत ज्यादा फास्ट है, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर इसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रेशन मतलब पानी डाला जितना इसको क्रिया करनी थी, केमिकल रिएक्शन करनी थी, 28 दिन के अंदर कर चुका है, ठीक है 24 आवर्स, इसीलिए इससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। मैंने आपको क्या चीज बोली है, जो जितना कम टाइम के अंदर हाइड्रेशन होगा ना, टाइम और हाइड्रेशन डेडली रिलेशन है, जितने कम टाइम के अंदर हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, जो जितना ज्यादा टाइम लेके हाइड्रेट होगा वो उसके अंदर हीट उतनी कम होगी, जैसे ये सबसे कम के अंदर हो रहा सबसे ज्यादा हीट, इसके बाद दूसरे नंबर पे C3S हो रहा है तो उसके अंदर थोड़ी कम हीट, फिर इसके अंदर C2S की बात करो तो 28 दिन ले रहा है लंबा सा टाइम, तो उसके अंदर सबसे कम हीट, तो समझ रहे हो ना, जिसके अंदर टेन्योर उसका हाइड्रेशन का जितना बढ़ा होगा
हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी कम होगी, ओके ना। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए अपन एक चीज और करते हैं, C2S को ज्यादा मिला देते हैं भाई सब, C2S ज्यादा मिला दो। अब C2S ज्यादा मिलाने से घाटा भी क्या, इनिशियल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो C2S को ज्यादा नहीं मिलाना है, तो प्रोपोर्शन इनका फिक्स करते हैं, ठीक है। चौथा तीसरा पॉइंट अब लिखेंगे, चौथा C4 भी है काम के तीन ही, चौथा तो वेस्ट है, बन जाता है बस बाई प्रोडक्ट। चलिए इसे इरेज करें इसको, चौथा लिखिएगा, हेडिंग डालिए C4AF, ये बोगस कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आपका, C4AF मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो एल्यूमिनो फेराइट, ओके, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। फार्मूला बोले तो C4CaO Al2Fe2O3, ओके ये होता है आपका। और एक और नाम से बोलते हैं हैलाइड, परसेंटेज की बात करें तो ये होता है आपका 14%, ठीक है, 8 से 14%, ठीक है। एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है 9%, ठीक है। ये चार चीजें याद रखना, फार्मूला, नाम, परसेंटेज और एवरेज, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। पहला चीज क्या है, रोस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, रोस्ट सीमेंटिंग मटेरियल कोई काम का नहीं है, वो तीन बंदे उसके साथ में बन जाता है बस, बाकी वेस्ट मटेरियल हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, हमारे ज्यादा किसी काम का नहीं है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका इट हाइड्रेट टेक 24 आवर, इट हाइड्रेशन टेक्स 24 आवर्स, ठीक है। ये जो हाइड्रेशन का टाइम कितना टाइम लेता है, 24 घंटे लेता है, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितने घंटे लेता है भाई, 24 घंटे लेता है। इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेट, एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है थोड़ा सा, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेट, क्विक सेट मतलब वही सेटिंग टाइम को थोड़ा सा कम कर देता है, मतलब जल्दी सेट होगा अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना प्रोड्यूस करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है आपका 400 जूल पर ग्राम, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 400 जूल पर ग्राम, ओके। बस इतनी चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं पढ़ना। एक लाइन लिखूंगा हीट ऑफ हाइड्रेशन का, हीट ऑफ हाइड्रेशन का सबसे कम कौन प्रोड्यूस करता है, तो बोलोगे C2S, फिर उससे ज्यादा, सॉरी ऐसे बनाते हैं, सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है तो C3A, फिर उससे कम कौन प्रोड्यूस करता है C3S, देन इसके बाद C4AF, देन इसके बाद थोड़ा कौन सा करता है C2S। ये लाइन आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा C3A, फिर इसके बाद C3A कितना 865, ये आपका 500, ये आपका 400 और ये आपका 262, ये चारों चीज याद रखना है, ठीक है। इतना इतना ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक कुंभज, चलिए देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास का टाइम ये हो गया है ना, तो आपने आज बोगस कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है ना, बोगस कंपाउंड आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आएगा टेस्ट, टेस्ट के बाद आएंगे फिर आपके कुछ टाइप ऑफ सीमेंट, 4 दिन लगेंगे सीमेंट है, नहीं इससे पहले, हाँ नहीं आपने एक क्लास मिस की है, ठीक है, सीमेंट की, वो आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है, एक क्लास मिस की, तो ये अभी 2 दिन और लगेंगे अपने सीमेंट में, मान लीजिए तीन क्लास में सीमेंट खत्म, फिर अपन आगे करेंगे कॉन्क्रीट, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा लेक्चर, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर लोग चाहते हैं कि यार लाइव आकर के देखें, तो नीचे व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, ये व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा, वहां जाकर के ज्वाइन होइए, ठीक है, आपको बता देंगे लाइव कब आना है, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।